भाई की कलाई क्या खूब सजाई है, हम भी अपनी बहन की दोनों कलाई सजाएंगे, लेकिन हीरो से। ओ भैया। एक मिनट। हेलो, हाँ नमस्ते ठाकुर साहब, हुकुम कीजिए। जी क्या 15 नवंबर को शादी का मुहूर्त निकला है? जी ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हम तैयार हैं, उस दिन आप शौक से बारात लेकर आइए। जी जी बहुत अच्छा। जी हाँ नमस्ते। श्याम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बड़े अच्छे मौके पे आए हो यार। क्यों? ठाकुर सूरज भान से शादी की तारीख तय हो गई है, 15 नवंबर को हमारी बहन दुल्हन बनेगी। ओ। नहीं भैया। क्या कह रही हो शालू? पहले आपकी शादी होगी फिर मेरी। शालू तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरे घर बसाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, फिर ये शर्त किस लिए? आपकी देखभाल के लिए, घर संभालने के लिए भाभी का होना बहुत जरूरी है। घर मैं संभालूंगा। अब तुम्हारी शादी टाली नहीं जा सकती, अगर ये तारीख भी टल गई तो ठाकुर साहब किसी और को अपनी बहू बना लेंगे। वो मेरा दुर्भाग्य होगा। क्या बकवास कर रही हो तुम, सोचो जरा। ये रिश्ता माँ ने तय किया था, प्राण छोड़ते वक्त पिताजी की भी यही ख्वाहिश थी कि शादी ना रुके। ठाकुर साहब ने रिश्ता तोड़ दिया तो माँ बाप की आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। इसलिए कहती हूँ भैया अपना घर बसा लीजिए। कितनी बार कह चुका हूँ कि वो नामुमकिन है, मुझे औरत जात से नफरत हो चुकी है। माया के कारण? दुनिया की हर औरत माया नहीं होती भैया, औरत जात में माँ भी थी, मैं भी हूँ। बेकार की बहस मत करो, मैं ठाकुर साहब को जबान दे चुका हूँ, अब खानदान की इज्जत का सवाल है, तुम्हें उसी दिन शादी करनी होगी, सुना तुमने? पहले आपकी शादी होगी। पिताजी की छांव के तले इस अग्नि की सौगंध खा के कहती हूँ, जब तक आप इस घर में अपने जीवन साथी नहीं लाएंगे मैं भी शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। तो ठीक है मत करो शादी, बैठी रहो कवारी, लेकिन इस जन्म में कोई भी औरत मेरी जीवन साथी नहीं बनेगी। पिताजी की छांव के तले इस अग्नि की सौगंध खा के कहती हूँ, जब तक आप इस घर में अपने जीवन साथी नहीं लाएंगे मैं भी शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। मैं जिस हाथ पर हर साल राखी बांधती आई हूँ भैया, उस हाथ का यूं अपमान करने का आपको कोई अधिकार नहीं। ये क्या पागलपन है श्याम, शालू का कहना मान ही लो। हरगिज नहीं। देखो श्याम, मैं तो बहुत देख चुका हूं यार, तुम देखो, माया का जला जिंदगी को फूक फूक कर पीता हूं। ठीक है शालू घर में बिठाए रखो, अब ये तो उसकी ज्यादती है ना। जो अपना होता है ज्यादती वही करता है। श्याम श्याम ऐसा करो, नकली शादी कर लो। क्या? किराए की बीवी, शालू की शादी के बाद निकाल देना। नहीं यार, कोई लड़की भला किराए की बीवी बनने पर क्यों तैयार होगी? श्याम तुम नहीं जानते, जरूरत आदमी को क्या क्या बनने पर मजबूर कर देती है, जरूरत औरत को वैश्य बना देती है, हम तो सिर्फ उसे किराए की बीवी बना रहे हैं। कोई ऐसी लड़की है तुम्हारे ध्यान में? हाँ। श्याम श्याम, ये वही लड़की जिसका जिक्र मैंने। क्या हुआ? सेठ तुम तो अपन को बोला कि आदमी बहुत शरीफ है मगर ये तो ब्योड़ा है। देखो मुझे ज्यादा बोलने वाले पसंद नहीं है। देखो सेठ, चुपचाप रहने से अपन का हाजमा खराब होता है। खैर अपन के पास टाइम नहीं है, हाँ काम की बात करो। वो तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, इनके साथ तुम्हारी नकली शादी। अरे असली शादी करने के लिए इस ब्योड़े को कौन छोकरी देगा? ओ शराब, अपन को भंकसबाजी नहीं मांगता, हाँ समझा क्या? हाँ अभी आप उनको ये बताओ कि तुम अपन के साथ नकली शादी का ड्रामा कई को करता है? अपनी बहन के लिए। हाँ। उसकी जिद जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती वो शादी नहीं करेगी।
चलेगा सेठ, तुम अपनी बहन की खातिर मजबूर है, हम अपनी माँ के इलाज की खातिर मजबूर है। तुम्हें इस काम के लिए 15,000 रुपए मिलेंगे। नहीं सेठ। क्यों, कम है क्या? अपन 10,000 रुपए लेगा। तब तो 15,000 में हाँ करनी चाहिए थी। सेठ, अपन मजबूरी बेचता है लेकिन किसी का मजबूरी खरीदता नहीं क्या? अच्छा सेठ, कुछ एडवांस बुकिंग मिलेगा क्या? फिलहाल 5,000 और 5,000 काम होने के बाद। ठीक है सेठ, अपन चलता है। अपन के खोले में नहीं, तुम इनके साथ इनके बंगले पर चलोगी। तुम्हारा ड्रामा आज से शुरू। अरे भाई रंजीत, हमारी शालू को बताओ तो हम उसके लिए क्या लाए हैं। साड़ियाँ 4, झुमका 1 जोड़, कुछ परफ्यूम्स, मुस्कुराहट 2 दर्जन और 1 अदद भाभी। मतलब आप शादी के लिए तैयार हो ही गए? तैयार? What do you mean by तैयार? मैं शादी करके आया हूँ। आप शादी करके आए हैं? खाइए मेरी कसम। अरे कसम खिलवाने से काम नहीं चलेगा दादी माँ, बहुत भूखा हूँ, कोई सॉलिड चीज खिलवाओ। अरे रंजीत, वो भाभी वाला पैकेट भी ले आना, नहीं तो मार डालेगी मुझे। हाँ। तो इसका मतलब आपने शादी कर ली, यानी सचमुच? हाँ। कहाँ की शादी? कोर्ट में। कोर्ट में? दिखाइए सर्टिफिकेट। हाँ ये देखो ना। अरे अरे हाँ, वो तो परसों मिलेगा। इनके नाम की स्पेलिंग गलत हो गई थी, कल संडे है, मंडे तक मिल जाएगा। आओ भाभी। बैठो भाभी, बैठो ना। तो हम चलते हैं? चलते हैं कहाँ? अब उनके माँ के पास। माँ के पास? नहीं भाभी, आज आप नहीं जा सकती। नहीं, वो अकेली हो जाएगी ना, आप उनके सिवा। बिंदिया तुम भी हद करती हो। शालू, ये एक ड्रामे की रिहर्सल कर रही है आजकल। शी इज प्लेइंग अ झोपड़पट्टी गर्ल। इन्हें रियलिस्टिक होने का बड़ा शौक है। ड्रामा 3 महीने के बाद होगा तो ये वही लैंग्वेज बोलती रहेंगी ताकि इनकी परफॉर्मेंस में रियलिज्म आ जाए। है ना? मगर आज तो तुम्हारे ससुराल का पहला दिन है, आज तो ये रियलिज्म छोड़ दो। क्यों? अरे लेकिन मैं तो। अरे वाह, क्यों भाई, हमारे मुल्क के आर्टिस्टों में यही तो एक कमी है, कमबख्त जी नहीं लगाते। अपना कैरेक्टर जीने की कोशिश नहीं करते। रियलिज्म? भाभी तुम इस आदमी की बिल्कुल मत सुनना, तुम्हें तो बहुत बड़ा कलाकार बनना है। देख भाई, अपुन जैसा है वैसा हिच रहेगा, अपुन बदल बदल नहीं सकता। हाँ, और देख आप बीच अपुन को माँ के पास जाने का है, अपुन नहीं जाएगा तो माँ को कौन देखेगा? अरे क्यों भाभी, नौकर चाकर होंगे ना। नौकर? और मेरे? नौकर चाकर तो बहुत है लेकिन माँ की सेवा ये खुद करती है। अरे लेकिन ऐसा क्यों नहीं करती कि कल तुम सुबह ही माँ को देखने चली जाओ। हाँ भाभी, सुबह चले जाना ना। अरे शालू, तुम अपनी भाभी को लेकर ऊपर वाले कमरे में जाओ। जाओ ना। चलो भाभी। ओके शाम, अब मैं चलता हूँ। ओके रंजीत, ऑल द बेस्ट। वेल, आई विल नीड इट।